देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना, तेरा चित ना आवे ना, मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना, तेरा चित ना आवे ना, मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे। मोती तमंदर उसरे, रतनी ता होए जड़ा, मोती तमंदर उसरे, रतनी ता होए जड़ा, कस्तू चंदन लीप आवे जाओ, मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना, तेरा चित ना आवे ना, मत देख भूला विसरे। हर बिन की जल मल जाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखे आ अवर नाई था, मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना, तेरा चित ना आवे ना, मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे। धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोनी मुखमणि
साओ मत देख भूला विसरै मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ तेरा चित ना आवे नाओ मत देख भूला विसरै मत देख भूला विसरै देख भूला विसरै मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ तेरा चित ना आवे नाओ मत देख भूला विसरै मत देख भूला विसरै देख भूला विसरै
मत देख भूला विसरे। ये शब्द गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी है। मोती ता मंदर ऊसरे, रतनी ता होए जड़ाओ। ए जदों धन गुरु नानक पातशाह जी का कलयुग दे नाल मिलाप होया ना, क्योंकि कलयुग का कम है दुनिया नू सच तो विछोड़ना, तोड़ना, धंधिया विच पाना, कला कलेश मचाउना। धन गुरु नानक पातशाह जी का जो मिशन सी, ओ सी ऐ दुनिया दे लोको क्यों आपसी मत भेद पाई बैठे हो, एक धरती दी उपज खांदे हो, एक जल पीते हो, एक चंद ते सूरज दी रोशनी मानदे हो। आओ असी उस दे बारक हां। अकाल पुरख वाहिगुरु साडा पिता है, असी उसका परिवार हाँ। आओ सारे प्यार करिए। पर एक गल कलयुग नूं चंगी नहीं लगी, बड़े डरावे देन लगा, बड़िया हनेरियां वगान लगा, इतना तूफान आ गया कि दरखत पुटी के उड़न लगे। पर धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नूं आख्या, मरदानिया तू जलाल विच रवी। जलाल तो भाव सी के उसकी याद विच रवी, उसकी याद नालों लिव ना टुट जाए, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि शगन अपशगन उदो ही लगते हैं जदों असी गुरु नूं भुल जाते हैं। दुख तदे ही आते हैं जे वह विसर जाए तो। इसलिए मरदानिया जलाल विच रो, तू कीर्तन कर। कलयुग ने बड़े डरावे दिते, बड़िया भयानक आवाजां दित्तियां, अग दी वर्खा कीती, पर जदों कुछ नहीं बिगाड़ सकिया ना, ते गुरु नानक दी शरण विच आके बैठ गया। महाराज कहन लगे, भई तू कौन है? आखे जी मैं कलयुग हाँ, ते तैनू की तकलीफ है, की दुख है? कहन लगा, जिस दा राज होवे उदे कोई उल्ट कम करे तां क्या उसनू चंगा लगेगा? ते मेरा राज है, मेरा कम है निरंकार नालों विछोड़ना, तोड़ना, कला कलेश मचाउणे, काम दी अग विच साड़ना दुनिया नू। काम क्रोध काया को गल है, ते तुसी सारिया नू जोड़ी आउंदे हो उस निरंकार नाल, मैनू दुख ना होवे। जिथे तुसी पैर पांदे हो नाम दी जोत जग जांदी है। इसलिए कृपा करो, तुसी मेरे नाल रल जाओ, ते जे मेरे नाल रल जाओगे तो आ जंगलां दियां ठोकरां, ते शहर विच भी किते जांदे हो ते कोई प्रसादा पुछदा कोई नहीं पुछदा, किते मान किते अपमान, क्यों रात दिन इस तरह तुसी फिर रहे हो? आओ मेरे नाल रवो, ता मैं तुहानू मोतियां दे मंदर उसार के दे सकदा हां। मोती ता मंदर उसरे, रतनी ता होए जड़ाओ। रतना दी जड़त कर देवांगा, ऐसा मंदर संसार से किसे दा नहीं होवेगा। कस्तूर कुंगू अगर चंदन, कस्तूरी अते केसर दे गारे नाल उस मकान नू मैं बना देवांगा। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, इना वस्तुआं दी लिपाई होवेगी जेड़ा तुहाडे लई मैं मंदर बनावांगा। तां धन गुरु नानक पातशाह कहण लगे, मत देख भूला विसरे। ओ मेरे मन, किते एदियां गल्लां विच ना आ जाई। उचारण करो श्री वाहिगुरु।
मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना कदे परमेश्वर दा ना ना भूल जावे। महाराज सोच लो मेरे वर्गी ए राज भाग सुख ए कोई होर नहीं दे सकेगा तुहानू, आ जाओ मेरे नाल। ता महाराज अगलियां तुकां विच धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन कि हर बिन जियो जल बल जाओ, जे हरी दे नालों जेड़ा टुट जांदा है नाम नालों उदा तन मन सब कुछ हर वेले सड़दा ही रहिंदा है। ते मैं एहो जिहा पाप नहीं कर सकदा, हरी दे सिमरन तो बिना मेरा शरीर मेरा तन मेरा मन अशांत हो जांदा है। मैं अपने गुरु नूं भी पुछ लिया और गुरु ने भी मैनूं यही अकाल पुरख ने शुभ उपदेश दिता है कि जेड़े नाम नाल जुड़दे हन सिमरन नाल जुड़दे हन ओही सुख माण सकदे हन। किते धन दौलत महल माड़ियां धी पुत्रां ने कदी नहीं सुख दिते, जिन्हां विचों सुख लभ रहे हो ना उन्हां विच असल विच सुख नहीं, सुख तां प्रभु दे सिमरन विच है। इसलिए गुरु नानक साहिब जी कहिंदे हन मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ, तेरा चित ना आवे नाओ, मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे, हर बिन जियो जल बल जाओ, जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखे आ अवर नाई ताओ, मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ, तेरा चित ना आवे नाओ, मत देख भूला विसरे। इतने लालच देते कलयुग ने, महाराज कहन लगे मैं अपना गुरु पूछ देखिया अवर नहीं था, ता फिर कल युग कहन लगा जे हुक्म करो ता ए धरती हीरे लालां दी बना देवांगा जिथों तुसी चल के जाया करोगे। धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ, जेड़े पलंग ते आराम करोगे लालां नाल लद्या होवेगा, लालां नाल सिंगारिया होवेगा। धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मनी सो है करे रंग पसाओ। आ नजारा वेखो ता सही कि धन दौलत माया की कुछ कराउंदी है। कल युग कहन लगे मेरा साथ दे के वेखो कितने आनंद तुहानू भोगावांगा। ता महाराज कहन लगे मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना हो, नाम तो बिना ए सारियां वस्तुआं भुलावा हन दुख हन, ए राख होण वालियां वस्तुआं हन। मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना हो, तेरा चित ना आवे ना, मत देख भूला विसरे, मत देख भूला विसरे। हुण होर लालच देन लगा सिद्ध होवा सिद्ध लाई, जे कवो तां तुहानू ऐसा सिद्ध बना देवांगा कि जी चाहेगा गुप्त हो जाओ, जी चाहेगा प्रगट हो जाओ, जिन्हों मर्जी है सराप दियो वर दियो,
ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਵੇਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾ ਮੈਂ। ਤੋ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਠਾ, ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸਕਰ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰ ਸਰਾਪ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਚਲਾਓਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਊ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ,
ते आप जो इसने ऊपर चादर कीती है वो तो शेको शेक है, थां थां तो फटी हुई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे मरदानिया नूं पुछ लै भाई आ की भाई जेड़ा जुलड़ तू कीता है वह तो फटिया होया, सानू मोतिया के मंदिर बना के दे रहे हैं। तो मरदाने ने जाके पूछया क्यों भाई, आ कोई चादर तो साबत कोड़ लै अपने उपर, छेको छेक ओड़ी हुई है, सानू बहुत कुछ दे रहे हैं, कुछ अपने उपर भी पा लै कोई नवा कपड़ा। ये तेरी चादर छेको छेक है तो कल युग कहन लगा ये गुरु नानक की कृपा, इदी मेर नाल छेको छेक हुई है। कल युग कहन लगा मरदानिया ये आलस की चादर है, मैं सारे संसार ते पा देंदा जदों अमृत वेला हुंदा है। आप वेखदे हो अमृत वेले जिहड़ा मरीज सारी रात हाय हाय करदा रहा होवे ना, अमृत वेले उसनू भी नींदर पै जांदी है। वो कल युग ने आलस की चादर पाई हुंदी है भाई, मते कोई उठ के इशनान ना कर लवे, नितनेम ना कर लवे। ये आलस की चादर है जो मैं सारे संसार से अमृत वेले पा देता हाँ, पर गुरु नानक दे जो प्यारे हैं ये चादर नूं शेक करके भी सतसंगत विच पहुंच जाते हैं। समुद्र सागर होवे बहु खारा, गुरसिख लंघ गुरु पै जाई, तो इसलिए इन्हां दे अगे मेरी कोई वाह नहीं चलती। तो धन गुरु नानक पातशाह जी ने इस शब्द विच सानू शुभ उपदेश दिता है कि कोई मोतियां दे मंदर भी उसार देवे, लालां दे जड़त पलंग भी तैनू दे देवे, धरती हीरे लालां दी कर देवे, तां वी अपने धर्म विच रहना है, अपने धर्म तो हीण नहीं होना, अपने धर्म विच रह के अपना जीवन सफल करना है। मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाउ, सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ, हुकम हासिल करी बैठा नानका सबुआ, मत देख भूला विसरै, मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे नाउ, तेरा चित ना आवे नाउ, मत देख भूला मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाउ, तेरा चित न आवे नाउ, मत देख भूला विसरै, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाउ, मेरा चित न आवे नाउ, मत देख भूला विसरै, मत देख भूला विसरै, मोती तमंदर उसरै रतनी ता अगर चंदन लीप आवे जाओ, मत देख भूला विसरै, मत देख भूला विसरै।